तो क्या हाल हुआ? आपको लगता था एक जाएगा तो जाएगा, लेकिन दूसरा मिल जाएगा। लेकिन जितना जनता इतनी समझदार थी, न ये भी मिला न वो भी मिला, और आप पीछे ये मुसीबत छोड़ के चले गए। और आपके लिए नया नहीं है, आपने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, आज भी मुसीबतें झेल रहे हैं। आपने इनका भी विभाजन ऐसे किया है, उनको विश्वास दिलाया होता तो शायद ये मुसीबत ना आती, लेकिन कुछ नहीं सोचा। और मुझे बराबर याद है चंद्रबाबू का और वहां के हमारे तेलंगाना के सीएम का, केसीआर का, पहले साल बंटवारे को लेकर के तनाव रहता था, झगड़े होते थे, गवर्नर को बैठना पड़ता था, होम मिनिस्टर को बैठना पड़ता था, कभी मुझे बैठना पड़ता था, और उस समय टीडीपी की पूरी ताकत तेलंगाना के खिलाफ लगाए रखी, उसी में लड़ते रहे हम, उनको शांत करने की बहुत कोशिश करते रहे, संभालने की कोशिश करिए, और टीआरएस ने एक मैच्योरिटी दिखाई चीजों को, ना वो अपने आप विकास में लग गए। उधर क्या हाल हुआ आप जानते हैं, संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है, बंटवारा ऐसा किया आप लोगों ने, संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है। एनडीए की सरकार ने सुनिश्चित किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास में कोई कमी नहीं आएगी, और हम पूरी तरह उसमें कमिटेड हैं।